के रमाबाई कॉलोनी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अविनाश कदम के द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में रमाबाई कॉलोनी के लोगों ने इलाज कराया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अविनाश कदम की सराहना की। डॉक्टरों से बातचीत के दौरान डॉक्टरों ने कहा, हम ऐसे प्रोग्राम काफी किए हैं, पर अविनाश कदम के इस समाज सेवा को देखकर हमें काफी अच्छा लगता है। ये हमारा पहला साल है और ये पहले साल में जो हमारे जो मित्र परिवार के जो सभासद है, ये मैंने पहले डिसाइड किया कि जब ये बीएमसी कामगार है, कंत्राट पे जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ये जो काम करते हैं, घर में जाते हैं, गटर में उतरते हैं, रास्ते साफ करते हैं, उनको लगता है तो इनका चेकअप करने वाला कोई है नहीं, ये खुद के पैसे से भी जाते नहीं है। वो इसलिए नहीं जाते कि उनको आमदनी जो है वो बहुत कम है। इसके लिए हमने अविनाश कदम और मित्र परिवार के तरफ से हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक आरोग्य शिविर का हर साल में एक दिन या 6 साल में एक दिन बीएमसी कामगारों के लिए आरोग्य शिविर होना चाहिए। सुबह से यहाँ पे 250 लोग आ चुके हैं बीएमसी कामगार। आगे का कदम ऐसा है कि रमाबाई कामराज नगर और रमाबाई नगर में जितनी भी लोगों की समस्याएँ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सब हम अविनाश कदम मित्र परिवार, मैं एक पार्टी से हूँ, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सदस्य हूँ, पदाधिकारी हूँ, मैं समाज सेवक होके भी काम करता हूँ, मैं पार्टी के तरफ से भी काम करता हूँ। और मेरा आगे का कदम ऐसा है, मेरा खुद का सरनेम कदम है, इसके लिए मेरा आगे का कदम ऐसा है कि ये रमाबाई नगर में और कामराज नगर में लोगों की जो जो समस्या होगी, स्कूल की समस्याएँ होगी या किसी की आरोग्य की समस्याएँ होगी, हर समस्याओं में मैं साथ रहूंगा और हमेशा उनका साथ दूंगा। जनता का मुझे सुबह से बहुत प्रतिसाद मिला है। जनता का सुबह से ऐसा कहना है कि जो जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनके बारे में आपने सोचा है, और जनता का साथ हमेशा मेरे साथ है। जनता साथ थी, इसके लिए हमारे जनता ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 2 कॉरपोरेटर्स ये वार्ड से चुन कर दिए, और जनता हमेशा साथ है और हमेशा साथ रहेगी। मैं यहाँ का रामाई कॉलोनी का स्थानिक हूँ, लेकिन उनके काम के वजह से वो अपने खुद के आरोग्य पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसके लिए यह आरोग्य शिविर अविनाश कदम ने आयोजित किया है और इसके माध्यम से वो यही जनता के सामने लाना चाहते हैं कि रामाई कॉलोनी सरी के मध्यम वर्गीय जनता है अपने कामकाज में इतनी व्यस्त है कि इन्हें अपने खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान देना नहीं दे पाते। कामराज नगर बोलो, यहाँ पे भी यही समस्या है। यहाँ पे म्युनिसिपल के जो स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होने से यहाँ पे जो होने वाली आरोग्य की समस्या है, जो बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो इन्होंने हमने वही सोचा कि साथ में रह के, भले इन्होंने लिखा है कि अविनाश कदम मित्र परिवार, लेकिन अविनाश कदम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक बड़े महाराष्ट्र सैनिक है और इनमें वो ताकत है कि इन्होंने जो जो किया है ये अपने बलबूते पे किया है, और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही महाराष्ट्र सैनिक राज साहब के जो विचारों से बंधे हुए ऐसे ही बड़े बड़े काम करेंगे, अच्छी अच्छी विकट समस्या को हम लोग यहाँ पे है निर्माण हुई समस्या को हम लोग यहाँ से है करेंगे, भगा देंगे यहाँ से, और बिल्कुल लोगों को जो होने वाली समस्या राज साहब के प्रति हम लोग इस समस्या का निवारण करेंगे, इतना ही बोलूँगा मैं। जय जय महाराष्ट्र, जय भीम। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ पे अविनाश कदम साहब जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता यहाँ के उन्होंने आयोजित किया है। मनीषा यूनिवर्सल हॉस्पिटल की तरफ से हम ऐसे बहुत सारे जो आरोग्य शिविर आज तक किए हैं, लेकिन ये आरोग्य शिविर का जो स्पेशलिटी था यहाँ पे जो है अपने बीएमसी में जो कामगार है वो अपने दूसरों के हेल्थ के लिए जो काम करते हैं, अपना दूसरों का हेल्थ केयर लेने के लिए जो काम करते हैं,
नाले सफाई, रास्ते सफाई, ये जो सब काम है ये लोग करते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए कोई सोचता नहीं। वो एक बड़ा काम आज यहाँ पे श्री अविनाश कदम साहब ने किया है। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना जो आरोग्य शिविर है उसका लाभ उठाया। यहाँ पे हमने उनका सब ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कार्डियोग्राम ये सब फ्री में चेकअप करके उनको जो कुछ है तो उसके ऊपर मेडिसिन भी जो है वो मुफ्त में यहाँ पे हमने दी है। बहुत अच्छा काम यहाँ पे जो है अविनाश कदम साहब ने किया है। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 150 से 200 लोग अभी तक यहाँ पे चेकअप करके गए हैं और अभी और बहुत लोगों ने नंबर लगाया है, मतलब 200 के ऊपर टोटल पेशेंट होंगे ऐसा हम अभी तक तो पकड़। उन्होंने हमें तो बोला था कि 100 पेशेंट तक आ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस जो उन्होंने मार्केटिंग की, पब्लिसिटी की और बहुत सारे जो मनसे के पदाधिकारी थे और यहाँ के जो शहर प्रमुख वगैरह वो सब आके गए, सब लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ पे। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची महिला अध्यक्ष है। अविनाश कदम चांगला काम जे हे करतो, आरोग्य शिबिर ही ठेवलेले आहे। दुसरे म्हणजे कोणतेही काम असू दे तो व्यवस्थित करतो म्हणजे, आणि आरोग्य शिबिर हे काम ठेवलेलं आहे तर चांगलं आहे म्हणजे महिलांसाठी म्हणा। म्हणजे डॉक्टरकडे जायला आता किती म्हणजे पैसे वगैरे लागतात, पण हे असं शिबिर ठेवलं ना तर चांगलं म्हणजे महिलांना पण चांगला फायदा होतो, त्यामुळे महिला भरपूर येतात अशा, आणि त्यांचं चेकअप व्यवस्थित होतं। मग असं सग म्हणजे एकाच ठिकाणी सगळं चेकअप झालेलं खूप चांगलं आहे, त्यामुळे महिला पण येतात आणि सकाळपासून आज भरपूर महिला वगैरे येऊन गेलेल्या आहेत। अविनाशचं काम अतुलनीय आहे, तळागळापासून तो काम करतो हां, आणि प्रत्येक गोष्टीवर त्याची खूप बारीक सारीक नजर असते। आणि म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे किंवा कोणत्याही गोष्टीतर्फे त्याने कधीच कुठेही माघार घेतलेली नाही आहे। खूपच छान काम, आणि ह्या गोष्टींची आपल्या ह्या विभागाला खूप गरज आहे। असंच तुम्ही आरोग्याचा कार्यक्रम घेऊन लोकांच्या पाठीशी उभे राहून काम कराल आणि सर्व प्रश्न मार्गी लावाल। प्रॉपरली जब अगर आप पूरा रमाबाई नगर देखेंगे तो पूरी जिस तरीके से अस्पताल और छोटे छोटे नर्सिंग होम यहाँ पे होने चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। और ऐसे माहौल में एक बंदा अविनाश जैसा यहाँ पे आरोग्य शिविर ले रहा है जिनके लोगों को साथ के प्रति कुछ है कि मैं लोगों के प्रति कुछ करना चाहता हूँ, ये उम्मीद लेके उस बंदे ने पूरे रमाबाई नगर के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य का बड़ा शिविर यहाँ का आयोजन किया था और काफ़ी अच्छी तरह से लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग दिया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य वो करते रहे। फ्री मेडिकल कॅम्पसाठी जे इथं खूप चांगला कार्यक्रम केलेला आहे, श्री अविनाश कदम हे मनसेचे कार्यकर्ते आहेत, धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत घाटकोपर एरियातले, त्यांनी फार छान कार्यक्रम इथं अरेंज केलेला आहे। हमने जितना कॅम्प अटेंड किया अभी तक हम लोग ने 12-15 कॅम्प अटेंड किया है, बस इसमें मोस्टली 400 पेशेंट आके गए, अच्छा था। मतलब सब कॅम्प से बेटर मुझे ये कॅम्प लगा और अच्छा मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला है। म्हणजे आपले जे काम करतात, जे आपल्यासाठी काम करतात, त्यांच्यासाठी मदत केली, त्यांचं आपण सेवा केली, हे मला खूप छान वाटतंय। आम्ही चांगली सुरुवात पण केलेली आहे आणि अजून याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात करू। मित्रपरिवारचा आम्हाला लास्टपर्यंत हाच लास्टपर्यंत मेहनत पाहिजे।